हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सी के अड्डा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला था? कौन सा? जापान का द्वार अमेरिका के लिए अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला था? अमेरिकी नाविक पैरी ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ कौन से देश थे? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जापान और इटली देश थे, इतना आपको याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टियों के नाम बताइए, तो एक थी एलाइड पावर तथा दूसरी कौन थी? एक्सिस पावर। कौन कौन सी थी? एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर, यहाँ पर क्या थी? दो पार्टियों के नाम थे। अगला है, कमाल पासा की मृत्यु कब हुई थी? कमाल पासा की मृत्यु हुई थी 1938 में। तुर्की में रिपब्लिक पीपल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मुस्तफ़ा कमाल पासा। कमाल पासा कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पासा ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के संस्थापक थे, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1938 में। कहाँ पर थे ये? तुर्की में। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो गणतंत्र की स्थापना यहाँ पर कब हुई? 1923 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तत्कालिक कारण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, क्या था? तत्कालिक कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। क्वेश्चन नंबर 8 है, म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर जो म्यूनिक पैक्ट है, म्यूनिक पैक्ट हुआ था, कब हुआ था? 29 सितंबर 1938 को म्यूनिक पैक्ट हुआ था। चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ है? 2500 ईसा पूर्व में। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट पॉल वॉलपोल थे। कौन थे? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल। शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है? तुर्गनेव को। किसको कहते हैं? तुर्गनेव को। शून्यवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सेकंड, देखिए, प्रथम वर्ल्ड वार का मुख्य कारण, सेकंड का तो मैंने आपको बताया, अब प्रथम का देखिए। प्रथम का था ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या। इसका तत्कालिक कारण था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक जीवित रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। यह कथन मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। यह कथन किसने कहा था? यह कथन था लुई पंद्रवे का। किसका था? लुई पंद्रवे का। अगला है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को। सामाजिक संविधान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रोशो ने। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसने कब हुई थी? 1920 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति कब हो रही है? 2 सितंबर 1945 को। स्थाई शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया था? ट्रास्टस्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम। 100 वर्षीय युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस किस के मध्य लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस। सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई थी? 1761 में। प्रथम नहर कहाँ से कहाँ तक निकालेगी? मैनचेस्टर से वर्सले तक। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। लुई सोलवे को किस अपराध में फांसी दी गई थी? देशद्रोह के अपराध में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 29 सितंबर 1938। जर्मनी द्वारा वर्षाय की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? 1935 में। वर्षाय की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। किस जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर सेकंड। रूस का अंतिम जार कौन था? अलेक्जेंडर सेकंड। इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता है? कैवेलियर कहा जाता है। कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने करी? जेम्स सेकंड ने। किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली थी? मैकेडम ने। भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1814 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। किसका नारा था ये? लेनिन का। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? माउत्स तुंग ने। चीन की जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान में। प्रथम
प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। अगला है, पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? 18 जनवरी 1919 21 से जनवरी 1920 तक था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। सेकेंड विश्व युद्ध का समापन 2 सितंबर 1945। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी टू ब्राउनाउ में हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने करा था? 1920 में किसने करा था? हिटलर ने। हिटलर ने कौन सी पार्टी का गठन करा था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाजी पार्टी के नाम से। हिटलर की आत्मकथा का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है? मेरा संघर्ष, माय स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933 को। चीन में गृहयुद्ध कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1927 में। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? जॉन हे को। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसको माना जाता है? डेंग जियोपिंग को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज कहा जाता है चाइना को। कानून की आत्मा की रचना किसने करी? मॉन्टेस्क्यू ने। माप तोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से माना जाता है? फ्रांस से। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? हर्डर को। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या होता है? सर्वसाधारण के अधिकारों का जो घोषणा पत्र होता है, देखिए सर्वसाधारण के अधिकारों का जो राइट्स का जो घोषणा पत्र होता है उसी को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? जापान में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। क्या कर दिए थे उसने? जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त और उसके क्या नाम है नागासाकी शहर में 9 अगस्त को क्या करे थे? परमाणु बम गिराए थे। इसीलिए उसने आत्मसमर्पण किया था। अमेरिका ने जापान पर अणु बमों यानी कि परमाणु बमों का प्रयोग कब करा था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को जो है ये नागासाकी शहर में गिराया था अमेरिका ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह है किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जाता है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वोल्टेयर का कथन है। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब करी? 4 जुलाई 1776 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको कहा जाता है? आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो कहाँ पर लागू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है, तो नेपोलियन की जो सबसे बड़ी देन है वो है नेपोलियन कोड। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेजा गया था? तो किस पर भेजा गया था? सेंट हेलेना पर किसको भेजा गया था? नेपोलियन को। नेपोलियन के पतन का कारण क्या बना? रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय रहा है? कानून संहिता के लिए। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र है? चीन। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने करी? मुत्सुहितो ने। जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई? 1872 में। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब करा था? 7 मई 1945 में। सेकेंड विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? मुसोलिनी। अमेरिका द्वारा
अमेरिका का सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। किस पर? पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान ने करा था, वही उसमें शामिल होने का कारण बना। यूरोप का मरीज तुर्की को और एशिया का मरीज चाइना को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 में। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया? तो ये क्या था? वाटरलू के युद्ध में। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? लुई सोलवे। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा किसने किसकी देन है? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? शामंती। टैले क्या था? टैले एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एंड रूसो का। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एंड रूसो का। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने करी? 1800 में नेपोलियन ने करी थी। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। ट्रॉल्फगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ट्रॉल्फगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। तो ये हो गए आज के हमारे 100 वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, तो इनको देख लीजिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।